اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن. मतलब इस रात में नई एक फहरिश्त तैयार होती है, क्या नया एक आमालनामा, नया एक किताब तैयार होता है, और कारकुनाने गैब यानी फरिश्ते अल्लाह ताला के सामने साल भर के आमाल नामे पेश करते हैं। इसके बाद अहकमुल हकीमीन यानी अल्लाह ताला अपनी रहमत से बंदों को प्यार से खिताब से फरमाता है, अल्लाह यानी अपने बंदों को फरमाता है, खबरदार है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाह को बख्श दूं, है कोई रिश्क मांगने वाला कि मैं उसको रिश्क दूं, रिश्क में बरकत दूं, रोजी में बरकत दूं, है कोई मुसीबत में गिरफ्तार कि मैं उसको उस मुसीबत से नजात दूं, कि उसको माफी अता करूं, खबरदार है कोई ऐसा यानी हर तरह की रहमत भरी नजर, रहमत भरा कलाम इशा से मगरिब से लेकर फजर तक ऐलान खुदा होता रहता है, कोई है कि मैं गुनाह माफ कर दूं, माफी मांगने वाला, कोई है रोजी वाला कि मैं इसकी रोजी फराख बरकत वाली कर दूं, कोई है कर्जदार कि कर्ज से नजात कर दूं, कोई है बीमार कि उसको बीमारी से शिफा दे दूं, वगैरह वगैरह सारी चीजें अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर पूरी रात फजर से पहले पहले तक आवाज आती रहती है। किताब मशकात शरीफ शफा नंबर 115। वो लोग कितने सआदतमंद जो इस रात को इबादत करते हैं और इबादत में गुजारते हैं, तौबा करते हैं और अपने रब को राजी करते हैं और अपने गुनाहों का बोझ हल्का करते हैं और हलाल रिश्क मांग कर खजाने गायब से माला माल हो जाते हैं, बीमारी और मुसीबतों से पनाह मांग कर खलासी पाते हैं, कर्ज से नजात पाते हैं, सेहत अता होती है, हर चीज़ यानी अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर मिलती है और करम होता है। दुरुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। सय्यिदना हजरत अबू मुशा अशकरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तआला शाबान की 15वीं रात में रहमत की तजली फरमाता है। रिवायत है इब्न माजा और मशकात शरीफ में, चंद रिवायतों में है कि कुछ लोगों की बख्शीश नहीं होती, उनमें मुशरिक, जादूगर, काहिन, जिना करने वाला और हमेशा शराब पीने वाला, उनकी बख्शीश नहीं होती यहां तक कि वो तौबा न कर ले।
जो मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान या गैर सही तौर पर कीना वादावर रखता हो उसकी भी मगफिरत नहीं होती जब तक कि वो तौबा न कर ले। यहां तक कि एक दूसरे से माफी न मांग ले। पहले के जमाने में तो चलता था, अभी भी कहीं कहीं है, जब ये रात आती है तो एक दूसरे घर वाले एक दूसरे से रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस माफी मांगते हैं कि यार मुझे माफ कर देना। औलाद अपने माँ बाप से माफी मांगती है, माँ बाप किसी और बड़े से माफी मांगते हैं। ये शाबान की 15वीं रात मगरिब से पहले, फिर मगरिब के बाद पूरी रात में एक दूसरे माफी मांगते हैं। इसलिए ये फरमान है बुजुर्गों का और अल्लाह वालों की एक खास तवज्जो लोगों को दिलाई है। अब अल्लाह वालों का फरमान है कि अगर शबे बरात की रात में एक दूसरे माफी मांगे और फिर अल्लाह से अपनी माफी तलब करे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह भी माफ कर देगा, यानी एक दूसरे माफी मांगे और अल्लाह अल्लाह के रसूल को खुश करे। और आज भी कई कई लोग एक दूसरे से इस तरह से माफी मांगते हैं और ये रिवाज ये सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह, और होना चाहिए। उम्महातुल मोमिनीन सैयदा माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक रात महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ रखे हुए थे और मेरे पास से अचानक चले गए। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं आपकी तलाश में निकली। अचानक मैंने देखा कि आप जन्नतुल बकी में मौजूद हैं और आपका सरे मुबारक आसमान की तरफ है और मैं भी, आप फरमाते हैं, मैं भी वहां पहुंची। आपने मुझे देखा तो फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या मुझे ये खौफ हो गया था, क्या मुझे ये खौफ हो गया था कि खुदा और उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेगा। तो मैंने अर्ज सीख की, नहीं या रसूल अल्लाह, शायद आप किसी अपनी दूसरी बीवी के पास तशरीफ ले गए हों। मैंने ये सोचा। आपने फरमाया, अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात में लोगों की तौबा कबूल करता है और इस रात में इस कदर लोगों के गुनाह माफ फरमाता है कि इनकी तादाद बनी कल्ब के कबीले से कबीले की मिसाल बकरियों से की, क्योंकि बनी कल्ब के कबीले में बकरियां बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये मिसाल उनकी दी गई कि बनी कल्ब के कबीले की बकरियों से ज़्यादा मगफरत होती है। सुभान अल्लाह, ये भी हमारे पीरों की पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिलानी सरकार ने लिखा और मशका शरीफ में भी है, सफ़ा नंबर 114 में। सबे बरात इबादत की रात है। यह मुबारक रात में सिर्फ इबादत की रात है जिसमें जितना भी हो सके, जितनी भी हिम्मत हो, बढ़ चढ़कर इबादतें करनी चाहिए। सैयदा मौलाए कायनात अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो इस रात में कयाम करो और दूसरे दिन रोजा रखो। मिश्कात शरीफ सफा नंबर वही 115।
सुभान अल्लाह। सबे बरात के नफली नमाज, इस रात में नमाज नवाफिल भी पढ़े जाते हैं और मख्तलिफ रिवायत में है कि एक रिवायत है कि इस रात में 100 रकात नमाज पढ़ी जाती है और हर रकात में अल्हम्दो शरीफ के बाद 10-10 बार कुलोला शरीफ पढ़ा जाता है और इस नमाज को सलातुल खैर कहते हैं। जो शख्स ये नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला अपनी करीमे से, अपनी रहीमे से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, छः बार नहीं, सात बार नहीं, आठ बार नहीं, नौ बार नहीं, 10 बार नहीं, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं,